अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ नसरात। उम्मीद करता हूँ जनाब आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। कल मैंने इंस्टाग्राम पे एक बात की थी कि हम कुछ ऐसी हैबिट्स के बारे में बात करेंगे जो इंसान को थोड़ा सा अप टू डेट रखती हैं, थोड़ा सा अपग्रेड करती हैं। पर मेरी हरकतों से आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं हैबिट्स के बारे में। देखें, इस वीडियो के मैं टोटल 3 पार्ट्स बनाऊंगा, बिकॉज इसके अंदर 3 तरह की हैबिट्स जो हैं वो आ जाती हैं। नंबर 1, आपको अपने आप के साथ कैसे रहना है। नंबर 2, आपको अपनी ज़ाहिरी अपीयरेंस कैसे करनी है। और नंबर 3, आप लोगों को लोगों के साथ बिहेव कैसे करना है। इसके अंदर बेसिकली ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी कि फिर आपको, मतलब एक कह लें आप लोग सेल्फ लव वाली साइड पे भी हम लोग चले जाएंगे कि अपने आप से हमें किस तरीके से प्यार करना आना चाहिए, अपने आप को किस तरह से हमें केयर करनी है, अपनी कैसे करनी है। ठीक है, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, सो गाइज, पहली जो हैबिट है वो ये है कम बोलना। आप लोग दुनिया में कहीं भी चले जाएं, जो भी बड़े से बड़े मूवीज़ देखी होंगी, मैं एग्जांपल वो देता हूँ जो आपके सामने आपको पता हो, आपने देखी होंगी मूवीज़, जो बड़े से बड़ा बिजनेसमैन होता है वैसे एटीट्यूड में रहता है। असल में आप अगर गौर करें तो वो एटीट्यूड में नहीं, वो खामोश होता है, वो चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा होता है। एक बहुत अच्छी कहावत भी है कि स्पीक लेस हेयर मोर, कम बोलो और सुनो ज़्यादा। उससे क्या होगा, फिर आप ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, और बस ज़रूरत के वक्त बोलो, ठीक है। एक बात, हाँ, ये थी नंबर 1 हैबिट। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आप लोगों की इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, राइट। ये जो हम लोग हर जगह जाके बोलने लग जाते हैं ना, ये करो वो करो, अब मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। मतलब मुझे भी ज्ञान फैलने का शौक नहीं है वैसे, लेकिन बात कर रहा हूँ ना, हम लोग क्या करते हैं हर जगह जाके बोलना शुरू हो जाते हैं, फिर लोग कहते हैं यार ये तो बोलते रहते हैं, इसकी नहीं सुनो, ख़त्म, ठीक है। नंबर 2, कम बोलने के बाद आप लोग अपने काम से काम रखो, ठीक है। ये नहीं सड़क पर, मैंने अक्सर देखा लोगों को स्टैंड चुक लो भाई, थोड़ा दुपट्टा वो या भी कर लो, वो भी कर ले, क्या ज़रूरत है भाई तुम्हें, नहीं ज़रूरत, अपने काम से काम रखो बस, ठीक है। मतलब आप ये भी नहीं कि किसी को आपकी हेल्प की ज़रूरत है, आप देख रहे हो उन्हें मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, नहीं, आपको उस बंदे को आपकी हेल्प की ज़रूरत है, गो एंड हेल्प देम। लेकिन वैसे अपने काम से काम रखें, लाइक कोई भी कुछ कर रहा है करने में, ठीक है, अनटिल और अनलेस कि वो आपके मुतल्लिक ना हो, ठीक है। मेरा तो अब ज़िंदगी का यही असूल है, कम अज़ कम ऑनेस्टली अगर मैं अपना पास देखूँ तो लोग मुझे भी ये समझते हैं कि यार ये वेला तरीन इंसान है, ये है वो है फलान टिंग, बट बाई यूजिंग दीज हैबिट्स एंड दीज ट्रिक्स थोड़ा सा मुझे अपने आप को समझने का भी मौका मिला है। और दूसरे नंबर पे जो तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ना, वो ये कि फ़ोन पे यार ऊँचा ऊँचा ना बोलो। लाइक अक्सर ऐसे हो रहा होता है, हेलो व्हाट इज दिस यार, फ़ोन है, आवाज़ जाएगी ना, सिग्नल इशू होगा, कम जा रही है लेकिन आवाज़ जा रही है भाई, आप आहिस्ता भी बोलोगे तो चली जाएगी आवाज़, फिक्र नहीं करनी, ठीक है। तो ये कुछ ज़ाहिरी हैबिट्स थी जो हर इंसान में होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि ड्रेस वेल, वो मैं उसको नेक्स्ट पार्ट में डिफाइन करूँगा, जिसके अंदर आप ड्रेस वेल कर सकते हैं, अपने आप की ड्रेसिंग सही कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपने सोशल मीडिया पर किस तरह बिहेव करना है, क्योंकि बॉस मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ना वो इसका थर्ड पार्ट होगा, क्योंकि उसके अंदर हम लोग सोशल मीडिया को कवर कर रहे हैं। और सोशल मीडिया की जो अपीयरेंस है ना आपकी आजकल, क्योंकि हर इंसान आपको सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा देखता है, हर इंसान आपको सोशल मीडिया पे देखता है, इसलिए वो आपको जानता है सिर्फ आपके सोशल मीडिया के थ्रू। सोशल मीडिया पे कैसे हो लोग उसी तरीके का आपके बारे में अपना एक इमेज बना लेंगे आपके बारे में। तो अपने उस इमेज को कैसे अच्छा करना है वो हम लोग बात करेंगे उस पार्ट के अंदर, बट आज इन 3 ट्रिक्स पे हमें अमल करना है। नंबर 1, हमें कम बोलना है। नंबर 2, हमें ऊंचा नहीं बोलना, और स्पीड की बात नहीं मैं कर रहा, मैं ऊंचे की बात कर रहा हूँ, ऊंचा नहीं बोलना, लाइक फ़ोन पे हो चाहे बात सामने आमने फेस टू फेस कर रहे हो, ऊंचा नहीं बोलना। और नंबर 3, अपने काम से काम रखना है, ज़रूरत ही नहीं किसी के फड्डे में टांग अड़ाने की, अपना फड्डा अंटिल अनलेस के आपका अपना कोई काम ना हो, आपका अपना कोई सीन पार्ट होता है तो आप बोलो, तो आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं, सही है। सो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी, बल्कि हैबिट्स ही कहूँगा, जो कि बेसिक्स थी जो हर इंसान में होनी चाहिए। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी लेके आऊँगा, जिसके अंदर हम बात करेंगे ड्रेसिंग सेंस के बारे में, हम बात करेंगे अपने सोशल मीडिया के अपीयरेंस के बारे में, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो इंसान को बेहतर बनाती हैं, या आप कह सकते हैं कि जो इंसान को अपनानी चाहिए, उन तमाम चीज़ों में हम बात करेंगे। सो टिल देन, अपना अपने गिरदो नवा के लोगों का रखिएगा ख्याल, मुझे खाने दे दवाना, अल्लाह हाफिज़। और हाँ यार, फनी बनो पर एक हद तक, ठीक है।